खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, फिर एक बार मोदी सरकार। कोटा की इस खबर से लड़कियों को समझना चाहिए कि जिहादी फेक अकाउंट बनाकर लड़कियों को फंसाते हैं और उन्हें टॉर्चर करते हैं और फिर उन्हें कोई गलत कदम उठाने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला राजस्थान के कोटा शहर से सामने आया है। आज से दो दिन पहले एक मामला सामने आया जहां एक 14 साल की नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। लड़की ने आत्महत्या क्यों की, इसका कारण किसी को पता नहीं था, जिस कारण उसके माँ बाप परेशान थे कि उनकी बेटी ने आखिर आत्महत्या क्यों की। लेकिन अब इस मामले का पर्दाफाश हो गया है। लड़की की मां के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो ये साफ जाहिर करते हैं कि 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को इंस्टाग्राम के माध्यम से ब्लैकमेल किया जा रहा है। कुछ लोगों ने नाबालिग लड़की को षडयंत्र कर अपनी जाल में फंसाया और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर लड़की ने ऐसा कठोर कदम उठाया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। घटना राजस्थान के कोटा शहर सांगोद कस्बे की है, जहां 9 मार्च को नाबालिग लड़की अपने घर में फंदे पर लटकी हुई मिली थी। वह मूल रूप से वड़गांव मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। 8 साल से सांगोद में अपने मामा के घर रह रही थी। आज से दो दिन पहले ही ये मामला सामने आया है। आत्महत्या का क्या कारण था, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। लड़की की मां ने दो लड़के, एक लड़की समेत कुछ लोगों पर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मां का ये भी कहना है कि लड़का रुपयों की डिमांड कर परेशान करता था, जिस कारण बेटी गुमसुम रहने लगी थी और घर से बाहर जाना भी बंद कर दिया था। मां ने लड़की के मोबाइल से चैटिंग के स्क्रीनशॉट भी पुलिस को दे दिए है। इस चैट से कुछ लोगों के नाम सामने भी आए हैं। लड़की की मां ने जब अपनी बेटी के सोशल मीडिया को खंगाला तब पता चला कि इंस्टाग्राम पर मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अजान और एक लड़की सना समेत 4 अन्य मुसलमान उनकी नाबालिग लड़की को अपनी जान में फंसाकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहे थे। सुसाइड के लिए उकसाने की शिकायत सांगोर थाने में की गई थी। पुलिस को दी गई शिकायत में लड़की की मां ने ये भी बताया है कि 1 अप्रैल को बेटी का मोबाइल चेक किया, उसकी सोशल मीडिया आईडी से पता चला कि वह कक्षा 7 में पढ़ाई के दौरान किसी लड़के के संपर्क में आई थी। लड़की ने पैसों की डिमांड करना शुरू कर दिया। लड़का रुपयों की मांग को लेकर दबाव बना रहा था, इस कारण बेटी तनाव में भी थी। कुछ समय से खोई खोई सी रहती थी, ज्यादा बात नहीं करती थी। उसने घर से बाहर आना जाना भी बंद कर दिया था। कुछ लोगों ने मेरी बेटी को मानसिक प्रताड़ना देकर आत्महत्या करने पर मजबूर किया। बता दें कि छात्रा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और ब्लैकमेल कर पैसों की वसूली की जा रही थी। इंस्टाग्राम आईडी से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मिले सबूतों से ये भी पता चलता है कि इस पूरे मामले में मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अजान और सना समेत कुछ अन्य लोगों ने इस साजिश को अंजाम दिया था, जो लगातार लड़की को परेशान कर उससे वसूली किया करते थे और धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहे थे। इन सभी के खिलाफ कोटा के सांगोद थाने में FIR दर्ज करा दी गई है। साथ ही पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी छानबीन भी शुरू कर दी है।